बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 11वीं जमात के पेपर्स मुलतवी किए जा रहे हैं। तमाम पंजाब के बोर्ड्स में कुछ पेपर जो है ना, ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह से और उसके बाद जो 17 जुलाई को पंजाब में 25 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। MPA की सीटों पर जो डी सीट हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुनहरफ अरकान थे, उनकी जो डी सीट होने पर इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन, उसकी वजह से और ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह से पंजाब में 11वीं जमात के यानी कि FA FSC Part 1 के पेपर्स, कुछ पेपर्स मुलतवी किए जा रहे हैं, ज़्यादा सारे नहीं। कुछ पेपर्स उनकी नई डेट शीट जारी कर दी गई है, जो पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं वो नेक्स्ट उनकी डेट क्या होगी, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह वो सारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। क्या ये क्या जी, पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन, इसकी तरफ से आज 7 जुलाई 4 जुलाई 2022 का ये नोटिफिकेशन है, पोस्टपोनमेंट ऑफ पेपर्स ऑफ इंटरमीडिएट Part 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2022। क्या है जी, कहता है जी, सबसे पहला जी 8 तारीख जो फ्राइडे को पेपर होने थे, जियोग्राफी का, एलिमेंट्री इकानमी वगैरह का, ये सारे के सारे पेपर मुलतवी हो गए हैं और ये अब जाके 29 तारीख को जुमे वाले दिन होंगे। उसके बाद 16 तरीक को सिविक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पेपर था, ये 27 को जाके पेपर होगा। और उसके बाद जी 18 तरीक को इंग्लिश का जो पेपर था वो 28 को अब होगा। ठीक होगा जी, इंग्लिश का 18 वाला पेपर 28 को होगा, सिविक्स और बिजनेस मैथ का पेपर 16 वाला जो था वो 27 को होगा, इस्लामिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सारे के सारे जो हिस्ट्री के पेपर हैं वो जो 8 तारीख को होने थे वो अब 29 तारीख को होंगे। नई डेट शीट जारी कर दी गई है, बच्चों को भी इतला हो जाएगी, बोर्ड की तरफ से भी कॉल आ जाएगी और नई डेट शीट के मुताबिक नई रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।